जनता पार्टी द्वारा एक ऐसी के दलित व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर आज साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों, ब्राह्मणों और ब्राह्मण राजपूतों की नहीं बल्कि दलितों तक पहुंचने वाली पार्टी है। हमेशा दलितों के भले के लिए काम करती है और आज उन्होंने साबित कर दिया है, इसे दिखावे की बात नहीं है। आज राष्ट्रपति के जैसे पद पर एक दलित व्यक्ति को बिठाकर, जो एक पढ़ा लिखा वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, जिससे मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में दलितों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आस्था बढ़ेगी और उनको विश्वास होगा कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। पूर्व में जब भाजपा का शासन था, एनडीए के वक्त राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के पद पर बिठाया था, तब भी मुसलमानों के अंदर ये मैसेज गया था कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इस बार ये मौका आया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो देश की दलित पिछड़े तबके के लोग हैं उनको नेतृत्व मिले, उनको आगे जाके मजबूती मिले। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको राष्ट्रपति पद पर आज भारी मतों की विजय मिली है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और पालिका अध्यक्ष पाटा साहब के नेतृत्व में आतिशबाजी और मिठाई का कार्यक्रम रखा गया है, वो दलित बस्ती में आकर खुशियां मना रहे हैं। नाम जनता पार्टी द्वारा एक ऐसी के दलित व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर आज साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों, ब्राह्मणों और ब्राह्मण राजपूतों की नहीं बल्कि दलितों तक पहुंचने वाली पार्टी है। हमेशा दलितों के भले के लिए काम करती है और आज उन्होंने साबित कर दिया है, इसे दिखावे की बात नहीं है। आज राष्ट्रपति जैसे पद पर एक दलित व्यक्ति को बिठाकर, जो एक पढ़ा लिखा वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, जिससे मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में दलितों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आस्था बढ़ेगी और उनको विश्वास होगा कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। पूर्व में जब भाजपा का शासन था, एनडीए के वक्त राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के पद पर बिठाया था, तब भी मुसलमानों के अंदर ये मैसेज गया था कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इस बार ये मौका आया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो देश की दलित पिछड़े तबके के लोग हैं उनको नेतृत्व मिले, उनको आगे जाके मजबूती मिले। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको राष्ट्रपति पद पर आज भारी मतों की विजय मिली है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और पालिका अध्यक्ष पाटा साहब के नेतृत्व में आतिशबाजी और मिठाई का कार्यक्रम रखा गया है, वो दलित बस्ती में आकर खुशियां मना रहे हैं। नाम